नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजमा और सोयाबीन की वड़िया। चलिए शुरू करते हैं। सामग्री 250 ग्राम राजमा, 50 ग्राम सोयाबीन की वड़िया, 5 से 6 मीडियम टमाटर, 2 इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच खाना बनाने का तेल, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 4 से 5 चम्मच राजमा मसाला। विवरण में लिंक देखें। नमक स्वाद अनुसार 250 ग्राम राजमा लें। इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। 4 से 5 घंटे के बाद पानी निकाल दें। भीगे हुए राजमा को कुकर में डालिए। पानी की मात्रा दोगुनी डालें। 2 चम्मच नमक डालें। ढक्कन बंद कर दें। एक सीटी आने के बाद धीमी आंच पर 30 मिनट तक पकाएं। कुकर खोलिए और राजमा को बोल में निकाल कर अलग रख लीजिए। अब 50 ग्राम सोयाबीन की वड़िया लें। इसे उबलते पानी में डालें। 2 से 3 मिनट तक उबालें। पानी निकाल दें और बोल में निकाल कर अलग रख लीजिए। 5 कटे टमाटर, 3 कटी हुई हरी मिर्च और 2 इंच कटा अदरक लें। इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालें और बारीक पेस्ट बना लें। एक बोल में निकाल लीजिए। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम कीजिए और इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए। धीमी से मध्यम आंच पर ही पकाएं। तब तक पकाएं जब तक तेल अलग न हो जाए। देखें, तेल अलग हो गया है। अब इसमें 2 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 4 से 5 छोटे चम्मच राजमा मसाला डालें। मिक्स करके धीमी आंच में अच्छी तरह से पकाएं, जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब इसमें उबले हुए सोयाबीन की वड़िया डालकर अच्छी तरह मिला लें। 2 से 3 मिनट तक पकाएं और अब कढ़ाई में उबले हुए राजमा डालें। उबाल आने तक धीमी आंच पर 10 मिनट और पकाएं। राजमा और सोयाबीन की वड़िया तैयार है। चावल और धनिये की चटनी के साथ परोसें। आप प्याज भी ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें।